मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद यहाँ गिराई गई थी। वो जो विवाद का मुद्दा था वो सालों तक चलता रहा और शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। आज यहाँ के मुसलमान इसके बारे में क्या सोचते हैं, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी क्या सोचती है अयोध्या की, तो यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी मुसलमानों की जमा है। ये सारे लोग उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, यानी 6 दिसंबर 1992 को इनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये पोस्ट 1992 की जेनरेशन है, उसकी पीढ़ी है, और इनके विचार क्या हैं इस बारे में ये आपसे जानना चाहेंगे, आप सब लोगों से। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद सीमाब है। जो भी फैसला आया मैं इसे एक्सेप्ट तो करता हूँ, लेकिन मैं दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये सिर्फ फैसला आया है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। फैसला आया है, इंसाफ नहीं हुआ। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद कुमार अशरफ है। ये जो कह रहे हैं कि फैसला ज़रूर आया लेकिन इंसाफ नहीं हुआ, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल इस बेसिस से भी कहते थे क्योंकि इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि हमें वो चीज़ मिली ही नहीं। और मिली तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, कि हमें उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन दी है, ठीक है। अब भले वो नहीं दी है, लेकिन अगर मुझे 5 एकड़ ज़मीन चाहिए भी तो अयोध्या में चाहिए। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद आकिब जावेद है, मैं यही अयोध्या का रहने वाला हूँ प्रॉपरली। आपको मस्जिद कहाँ पर चाहिए? हमें जो मस्जिद चाहिए वो जो अपना विवादित वो था 2.77 का था, उसके बाद जो 67.7 एकड़ उन्होंने एक्वायर करके रखा हुआ है उसी के आसपास अगर हमें 5 एकड़ देते हैं तो ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ के पाँच के अंदर चाहिए। जी, पाँच को अच्छा। उसी 67.7 एकड़ के अंदर चाहिए। प्रधानमंत्री तो अब कह रहे हैं कि भाई सब मिलजुल के, ये किसी की ना जीत है ना किसी की शिकस्त है ना हार है, तो सब मिल के एक साथ देशवासी चलने चाहिए। मैं इस पर बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें एक अच्छा देश बनाना है तो उसमें इंसाफ का होना बड़ा ज़रूरी है और हमें बराबरी का ओहदा मिलना चाहिए। कुछ जो हिंदू समाज के लोगों से मैंने बात की यहाँ पर, वो खुश तो हैं लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से रिलीफ मिला उन्हें कि चलो ये मामला ख़त्म हुआ, बहुत तूल पकड़ गया था, बहुत लंबा ये चला गया था, अब ख़त्म हो गया। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? जी, रिलीफ तो बहुत मिला है, क्योंकि जिस तरीके से जब भी ये होता था, साल में एक बार मुद्दा ये डेफिनेटली उठता था, पिछले साल भी उठा था कि बहुत कई लाख लोग आए थे तो उसकी वजह से इसके मुसलमानों को प्रॉब्लम हुई थी, कुछ यहाँ से हट भी गए थे, जैसे हटने का मतलब कि औरतों और बच्चों को हटा देते थे और वो लोग यहाँ रहते, तो एक तरीके से डर था और हर साल ये डर रहता था कि एक ना एक दिन ये उठना है। अब इस वजह से रिलीफ हो गया क्योंकि अब ये मुद्दा उठेगा नहीं, ये सॉल्व हो चुका है। बस मुद्दा उठेगा नहीं, सॉल्व हो चुका। अच्छा, अभी फैसला जब शनिवार को आया जी, तो उसके बाद देखा हमने कि मुस्लिम समाज में थोड़ी सी खामोशी है जी, वो सामने आके नहीं बोल रहे, तो क्या किसी तरह का भय या खौफ भी था ऐसे? सर, अगर भय की बात करें तो भय तो मोदी जी के आने के बाद से ही है, हम बता नहीं सकते, लेकिन वो कहते हैं ना आई कैन फील इट, मैं इसे फील कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी दोस्तियाँ थी बचपन के, जो मेरे दोस्त थे, आज वो मेरे दोस्त नहीं हैं। कौन, हिंदू या मुसलमान? हिंदू। पता नहीं क्या एक बात हो गई कि अब वो बातें नहीं रह गई, हम उनके यहाँ जाते थे आते थे, अब भी आते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ गया है। जितने भी नेता हैं अभी जब फैसला है उसके बाद से सब पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर, मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कल मैं जब शाम को अपने घर आया और फैसला आने के बाद जब मैं अपने गेट में इंटर कर रहा था, तो मेरे जो मोहल्ले के लड़के थे वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे और ऐसी नज़र से वो मेरी तरफ बढ़ना चाह रहे थे कि मुझे फील हो गया कि ये लोग मुझसे कुछ कहेंगे, शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे या मेरे ऊपर हंसी करेंगे, और मैंने उनको इग्नोर करके मैं अंदर घुस गया। आपके अंदर भी किसी तरह का एहसास कमतरी होगी इसलिए आप उनसे शायद मिलना नहीं चाहते? नहीं सर, हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं अपने हिंदू भाइयों से, हम लोग उनकी हर मदद के लिए जाते हैं। तो शायद वो ये चाह रहे होंगे कि आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें कि मंदिर बनाने की इजाज़त हो सकता हो, लेकिन लग नहीं रहा था सर, क्योंकि वो जिस तरह से उनका बिहेवियर था सर, एक पॉजिटिव बिहेवियर में और निगेटिव बिहेवियर में फ़र्क समझ में आता है। मैं ये जानता हूँ, मतलब सोच भी रहा हूँ कि अगर हिंदुओं के पक्ष में फैसला ना आता तो कुछ ना कुछ होता ज़रूर, गड़बड़ होती जी। अच्छा, इस वजह से हम लोग घर से भी हट गए थे जब फैसला आया था। अच्छा, आप लोग नहीं थे जी? अच्छा, मतलब यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है फैसला आने के पहले घर में नहीं थे, यही कह रहे हैं? 90% नहीं थे। 90% नहीं थे, निकल गए थे। ये जो कजियाना मोहल्ला है यहाँ बस 2-3 घर जो थे जो कि थे वहाँ पर, मैं पूरी पूरी फैमिली थी, और जिस घर में लोग थे उसमें सिर्फ मतलब कि जो बड़े जेंट्स थे वही थे, बाकी औरतें बच्चे सब हट गए थे। अच्छा, आज वापस आ गए?
छोटे बच्चे अच्छे हैं, बूढ़े हैं, उन सबको मतलब एक बैग तो नहीं हटाया जा सकता है। अब बूढ़े बुजुर्ग फैसला तो अचानक आया, एक ही दिन पहले पता लगा क्या? हाँ, तो वही रात में मतलब 8-8 बजे या 7 बजे पता चल गया था, जिस वजह से हम लोग 10 बजे या 10:30 बजे तक निकल चुके हैं।